ओके फाइन। सो यस्टरडे हम ये डिस्कस कर रहे थे कि बॉडी का टेम्परेचर अगर सराउंडिंग टेम्परेचर से ज्यादा होता है तो कि उसका जो नेट रहेगा रेडिएशन होगा दैट विल बी इन द फॉर्म ऑफ इमिशन, लाइक वो इमिट कर रहा होगा नेट में। तो अगर कोई बॉडी एनर्जी इमिट करेगा व्हाट विल हैपन विद टेम्परेचर, इट्स टेम्परेचर इज गोइंग टू डिक्रीज विद टाइम राइट। तो टेम्परेचर जो टैंक के साथ डिक्रीज करेगा इसको बोलेंगे रेट ऑफ कूलिंग, डी कैपिटल टी बाई डी टी। क्या बोलेंगे? डी कैपिटल टी बाई डी टी। उसी को ही हमने डिराइव किया था लास्ट क्लास। वी हैव डिराइव दैट इन द लास्ट क्लास, दैट इज कॉल्ड एज रेट ऑफ कूलिंग, डी कैपिटल डी बाई डी टी, दैट इज इक्वल टू सिग्मा ए बाई एम सी ब्रैकेट टी टू द पावर 4 माइनस टी नॉट टू द पावर 4। आई होप ऑल ऑफ यू रिमेंबर दिस राइट। याद है सबको ये चीज? कम ऑन पीपल। यस ओके okay. सर अभी हम क्या करेंगे ना, हमने एक्चुअली न्यूटन ने क्या किया था, इसी फॉर्मूला को और एक सिचुएशन के लिए फिर से चेंज करके लिखा था, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। मिनट, ठीक है, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग इसको लेकर थोड़ा डिस्कस करते हैं। देखो न्यूटन ने ये कहा था कि अगर तुम्हारे पास एक बॉडी है, ठीक है, दैट इज अ बॉडी, दैट इज इसका टेम्परेचर जो है दैट इज मोर देन टी नॉट सराउंडिंग का टेम्परेचर है। और न्यूटन ने एक स्पेशल केस डिराइव किया था। स्पेशल केस मतलब अगर ऐसा सिचुएशन है कि तुम्हारा बॉडी का टेम्परेचर, तुम्हारा जो ये बॉडी है दिस बॉडी, इसका जो टेम्परेचर है और जो सराउंडिंग का टेम्परेचर है, इफ दे आर वेरी क्लोज टू इच अदर, इफ नॉट इफ दे आर नॉट वेरी डिफरेंट फ्रॉम इच अदर, मतलब उनका वैल्यूज जो है टी एंड टी नॉट, टी एंड टी नॉट, अगर इफ एक मिनट हाँ एक मिनट यार, समवन इज कॉलिंग मी कंटिन्यूअस, एक मिनट रुको, जस्ट मिनट। ओके फाइन पेपर। मैंने कहा कि अगर इफ दे आर क्लोज टू इच अदर, तो इस पर्टिकुलर स्पेशल सिचुएशन के लिए न्यूटन ने इसी फॉर्मूला को ना थोड़ा सा ट्विच किया, थोड़ा सा डिफरेंट कर दिया। कैसे देखें? नाउ इस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन में ध्यान देना, ट्राई टू फोकस ऑन दिस टर्म, टी टू द पावर 4 माइनस टी नॉट टू द पावर 4। और न्यूटन कह रहा है कि भाई टी एंड टी नॉट अगर बहुत पास है, सो टी जो है, क्या मैं टी का वैल्यू टी नॉट प्लस डेल टी लिख सकता हूँ? जनता जवाब दो, कैन आई राइट टी एस टी नॉट प्लस डेल टी? टी नॉट क्या है? सराउंडिंग का टेम्परेचर। जनता आवाज हो यार, थोड़ा तो पता चले तुम लोग समझ रहे हो, यस है ना? ऐसा लिख यस सकते सर हैं, कैन आई राइट टी एस टी नॉट प्लस डेल टी? मतलब सराउंडिंग से थोड़ा ही ज्यादा है बॉडी का टेम्परेचर, टी नॉट जो है वो सराउंडिंग का टेम्परेचर है, और प्लस डेल टी करने के बाद हमको बॉडी का टेम्परेचर मिलना, मतलब बॉडी का जो टेम्परेचर है वो सराउंडिंग के टेम्परेचर से थोड़ा ही ज्यादा है। बोलो ये समझ में आया नहीं आया? कमॉन पीपल, हैव यू अंडरस्टूड दिस? यस ओके सर ओके, यस सो सर लेट अस नाउ फोकस ऑन दिस टर्म। ये जो टर्म है टी टू द पावर 4 माइनस टी नॉट टू द पावर 4, इस पे थोड़ा ध्यान देते हैं। हाँ, इसको हम क्या करेंगे, थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे, ध्यान देना। एक मिनट, सो इफ आई सी दिस टर्म टी टू द पावर 4 माइनस टी नॉट टू द पावर 4, इसको हम कैसे लिख सकते हैं यार? टी को हम क्या लिख सकते हैं? कैन आई राइट टी एस टी नॉट प्लस डेल टी? जस्ट नाउ टी का वैल्यू टी नॉट प्लस डेल टी लिखा है मैंने, द होल टू द पावर 4 माइनस टी नॉट टू द पावर 4। एक बात को समझ के रखना, ये जो डेल्टी है वेरी स्मॉल है, इट्स अ स्मॉल डिफरेंस। हमने यही डिस्कस किया था कि बॉडी एंड सराउंडिंग का टेम्परेचर बहुत पास है, ज्यादा डिफरेंस नहीं होगा। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, टी नॉट टू द पावर 4 अगर मैं कॉमन ले लेता हूँ, यहाँ पर क्या बचेगा, 1 प्लस डेल्टी डिवाइडेड बाई टी नॉट टू द पावर 4 माइनस 1। कम ऑन पीपल, डू एग्री विद दिस? क्या मैंने सही लिखा ये? बोलो ना। यस सर सो इन दिस केस आई कैन गो फॉर ए बाइनोमियल एक्सपांशन फॉर दिस टर्म। इस टर्म को हम एक्सपांड कर सकते हैं, इसका बाइनोमियल एक्सपांशन लिख सकते हैं, और जो हायर वैल्यू हायर पावर वाले टर्म्स उसको अगर हम नेगलेक्ट करेंगे तो फाइनली मेरे को कैसा एक्सप्रेशन मिलेगा? ध्यान से देखो, टी नॉट टू द पावर 4 1 प्लस, हमने क्या सीखा था कि जो पावर है उसको मल्टीप्लाई कर दो, तो मल्टीप्लाई कर दिया, दैट इज 4 टाइम्स ऑफ डेल टी डिवाइडेड बाई टी नॉट, ये हो गया, और माइनस 1 यहाँ से पहले से ही था, तो प्लस 1 माइनस 1 ये दोनों कैंसिल आउट हो जाता है। यहाँ पर टी नॉट
ये फोर कैंसल आउट होके टी नॉट क्यूब बनता है, ध्यान से देखना, फोर टी नॉट क्यूब को एक साथ लिखता हूँ और ये हो गया डेल टी, और ये जो है ये इसी टी टू दी पावर फोर माइनस टी नॉट टू दी पावर फोर का सिंप्लीफिकेशन है अंडर द कंडीशन व्हेन द डिफरेंस बिटवीन द बॉडी एंड द सराउंडिंग, द डिफरेंस बिटवीन द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी एंड द सराउंडिंग इज नॉट मच, इफ द टेम्परेचर इज वेरी क्लोज टू ईच अदर, तो देन टी टू दी पावर फोर माइनस टी नॉट टू दी पावर फोर को हम ऐसा लिख सकते हैं। जनता ध्यान दो, क्या तुम मुझे ये बोल सकते हो कि डेल्टी एक्चुअली है क्या, व्हाट इज डेल्टी, कैन आई से दैट इज टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन बॉडी एंड सराउंडिंग, सिस्टम एंड सराउंडिंग, बीच बीच में किसी का आवाज निकलता है तो ऐसा लगता है कि सब है जिंदा है, बीच बीच में ऐसा लगता है मैं सिर्फ यू नो वेबकैम की तरफ देख के पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि अभी मैंने अपना वीडियो जो है वो स्पॉटलाइट में डाल दिया था, किसी का चेहरा भी नहीं दिखता और तुम लोग खुशी खुशी एक भी जवाब नहीं दे रहे। आई होप सो सबको ये जो है सिंप्लीफिकेशन समझ में आया। अभी क्या करेंगे, अभी इसी चीज को ना हम अपने एक्चुअल फॉर्मूला जो हमने डिराइव किया था उसमें पुट करेंगे, ठीक है, जिसमें हमने डिराइव किया था। सो फिर से देखते हैं रेट ऑफ कूलिंग का एक्सप्रेशन, रेट ऑफ कूलिंग दैट इज डीटी बाई डीटी, क्या था, दिस इज सिग्मा ए बाई एम सी, और यहाँ पर क्या था यार, टी टू दी पावर फोर माइनस टी नॉट टू दी पावर फोर, ये फॉर्मूला तुमको तो बहुत बढ़िया से याद रखना पड़ेगा। हाँ, ये जो फॉर्मूला है सिग्मा ए बाई एम सी टी टू दी पावर फोर माइनस टी नॉट टू दी पावर फोर, ठीक है। अच्छा, अगर फॉर ए जनरल बॉडी लिखना चाहूं तो किसी भी जनरल बॉडी के लिए लिखना चाहूं तो क्या होगा बताओ, व्हाट डिफरेंस विल कम, कौन सा डिफरेंस आएगा किसी भी जनरल बॉडी के लिए लिखना चाहूं तो, कम ऑन एनीवन, से e इनटू हो जाएगा, हाँ कहां पर e इनटू हो जाएगा, बढ़िया बोल रहा है, लेकिन कहां पर, नीचे ऊपर होगा, ऊपर, हाँ सर ऊपर सर, तूने बोला नीचे, मैंने जब बोला ऊपर, हाँ 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 सर ऊपर, सर नॉट कंफ्यूज हो गया मतलब, ठीक है, डीटी बाई डीटी सिग्मा ए बाई एम सी टी थ्री पर फोर माइनस टी नॉट टी पर फोर, ये चलो हम एक जनरल बॉडी के लिए करते हैं, ठीक है ना, नॉर्मली हमको ऐसे सिचुएशन के साथ ही डील करना पड़ेगा। अभी अगर मैं यहाँ पर सिग्मा ए बाई एम सी को ऐसे रख दूँ और टी टी पर फोर माइनस टी नॉट टी पर फोर का जो सिंप्लीफाइड वर्जन है दैट इज फोर टी नॉट क्यूब इन टू डेल टी, अगर ये लिख दे तो फाइनल एक्सप्रेशन क्या होगा, ध्यान से देखना, सिग्मा ए फोर को इधर लिख देता हूँ, टी नॉट क्यूब लिख देता हूँ, डिवाइडेड बाई एम सी, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, दैट इज डेल्टी। सो इन दिस केस आई कैन से दैट द रेट ऑफ कूलिंग इज इक्वल टू सम कॉन्स्टेंट के इन टू टी माइनस टी नॉट, जहां पर इस पूरे चीज को हमने के बुलाया, कैन आई राइट इट दिस वे रेट ऑफ कूलिंग जो है, जो रेट ऑफ कूलिंग होगा दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर बिटवीन द सिस्टम एंड सराउंडिंग, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर बिटवीन द सिस्टम एंड सराउंडिंग, समझ में आया क्या कहा, इज दैट क्लियर पीपल, जवाब दो आया ना, यस सर। ये एक्सप्रेशन इतना इंपॉर्टेंट है ना, ये एक्सप्रेशन इसमें बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया, इस पे भी क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है, और ये ना ये जो कांस्टेंट है इस पे भी क्वेश्चन पूछा गया है, यहाँ पर इस कांस्टेंट को तुमको याद रखना पड़ेगा, अगर ये कांस्टेंट का वैल्यू याद है तभी जाके तुम उस क्वेश्चन को कर पाओगे। मैं तुमको ये सारे क्वेश्चन दूंगा आगे, लेकिन मैं बस तुमको ये बताना चाहता हूँ कि ये फॉर्मूलाज इंपॉर्टेंट है और इसको इग्नोर नहीं करना, इन फॉर्मूलाज को अच्छे से याद करके अपना जो छोटा सा कॉपी बनाने बोला था उसमें लिख के रखना है, ताकि रेगुलर रिवीजन होता रहे, इन सारे फॉर्मूलाज को याद रखने के लिए रिवीजन चाहिए होता है, ठीक है, शॉर्ट शॉर्ट गैप्स में तुमको रिवाइज करना पड़ेगा। तो फिर से कह रहा हूँ यार, तुमको ये चीज़ तो याद रखना ही है कि एक बॉडी कितना जल्दी ठंडा होगा वो डिपेंड करेगा कि उस बॉडी का और सराउंडिंग के बीच का जो टेम्परेचर डिफरेंस है वो कैसा है, अगर थोड़ा सा ज़्यादा टेम्परेचर डिफरेंस होगा तो रेट ऑफ कूलिंग बढ़ जाएगा, अगर टेम्परेचर डिफरेंस कम है तो उसको ठंडा होने में टाइम लगेगा, ठीक है, इज दैट क्लियर पीपल, आगे बढ़े, यस सर ओके फाइन फाइन।
देखो यहाँ पर ये जो रेट ऑफ कूलिंग हमने लिखा ना, और एक इम्पोर्टेंट चीज बता के रख देता हूँ, ये जो रेट ऑफ कूलिंग हमने लिखा है दिस इज एक्चुअली इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ कूलिंग। मैंने ऐसा क्यों बोला? कैन एनी वन पॉइंट आउट एंड टेल मी कि मैंने इसको इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ कूलिंग क्यों बोला है? मतलब ये जो पर्टिकुलर हमने फॉर्मूला लिखा है, ये जो रेट ऑफ कूलिंग का जो वैल्यू है वो एक पर्टिकुलर मोमेंट के लिए है। व्हाई डिड आई कॉल इट एज इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ कूलिंग? एक बार लॉजिकली सोचो तो, कॉमन सेंस, यूज योर कॉमन सेंस। डिफरेंशियल फॉर्म में टेम्परेचर। जनता एक बात बताओ, ये जो टी है हम तो यही स्टडी कर रहे हैं ना कि बॉडी ठंडा हो रहा है, as time is passing, body जो है वो ठंडा होते जा रहा है, बॉडी का टेम्परेचर टाइम के साथ क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। ये जो टी है ये वेरिएबल है, ये टाइम के साथ क्या करता जाएगा, डिक्रीज करता जाएगा। तो ये जो एक्सप्रेशन हमने लिखा है, दिस एक्सप्रेशन विल बिलोंग टू अ पर्टिकुलर मोमेंट ऑफ टाइम। समझ में आया? This expression will belong to a particular moment of time. जिसको हम instantaneous rate of cooling भी बोल सकते हैं। इस चीज को अच्छे से याद रखना। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? Because ये जो हमने expression लिखा है, that is instantaneous rate of cooling, इसके बाद मैं तुमको जो expression दिखा रहा हूँ, उसको हम बोलेंगे average rate of cooling। मतलब इसी formula को हम अभी average में convert कर देंगे। नंदा सच बताओ तो सबको समझ में आया? उसको हमने instantaneous क्यों बुलाया? Yes sir. Yes sir. Everyone give me a yes. 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 Yes, sir. Let's talk yes. about the average rate of cooling. ठीक है? अभी rate of cooling का जो expression है, yeah, rate of cooling का जो expression है, instantaneous rate of cooling का जो expression है, that is k times of t minus t naught. ये दिया रहता है, ठीक है? अभी हमको average rate of cooling expression निकालना है। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड कि तुम्हारे पास यहाँ पर एक बॉडी है, यू गॉट ए बॉडी है, देयर इज अ बॉडी है, और सराउंडिंग का जो टेम्परेचर वो टी नॉट है, वो कांस्टेंट है। सराउंडिंग का टेम्परेचर टाइम के साथ नहीं बदलेगा, विल मेक द कीप द सिचुएशन सिंपल। सराउंडिंग का टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा। लेट अस से द इनिशियल टेम्परेचर ऑफ द बॉडी वॉज टी वन, और टी टाइम में, कितने टाइम में, टी टाइम में बॉडी का टेम्परेचर जो है टी टू बन गया। समझ में? मैंने क्या लिखा? मैंने ये लिखा कि जब से हमने इस बॉडी को एनालाइज करना चालू किया, जब हमने स्टडी करना चालू किया, इनिशियली इस बॉडी का टेम्परेचर टी वन था, एंड एज टाइम पास्ड, कितना टाइम पास हुआ जनता? टी अमाउंट ऑफ टाइम पास हुआ, है ना? टी अमाउंट ऑफ टाइम पास हुआ, और इतने टाइम में इस बॉडी का टेम्परेचर गिर के डिक्रीज होके टी टू तक पहुंच। यस यस पीपल, हाँ या ना? कम ऑन। यस यस सर। अभी एक बात बताऊं कि अगर मैं रेट ऑफ कूलिंग का एक्सप्रेशन लिखना चाहूं, रेट ऑफ कूलिंग का वैल्यू लिखना चाहूं, रेट ऑफ कूलिंग क्या है? कैन आई से चेंज इन टेम्परेचर डिवाइडेड बाय टाइम टेकन? आई होप ऑल ऑफ यू विल एग्री विद मी। डीटी बाय डीटी का बड़ा भाई, चेंज इन टेम्परेचर बाय टाइम टेकन। यस पीपल, जवाब दो। yes. जवाब दो। यस सर। चेंज इन टेम्परेचर को क्या मैं ऐसा लिखूं, टी वन माइनस टी टू डिवाइडेड बाई टी? हमने पॉजिटिव रखा है, टी वन माइनस टी टू डिवाइडेड बाई टी, दिस इज द चेंज इन टेम्परेचर एंड टी इज द अमाउंट ऑफ टाइम, सो दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर रेट ऑफ कूलिंग। यहाँ तक तो समझ में आ गया। देखो हम क्या करना चाहते हैं, इसी एक्सप्रेशन को बदल के एवरेज का फॉर्म देना चाहते हैं। ये जो एक्सप्रेशन है, इसी एक्सप्रेशन को बदल के हम एवरेज का फॉर्म देना चाहते हैं। तो अभी जो है रेट ऑफ कूलिंग की जगह हम ये लिख देंगे, टी वन माइनस टी डिवाइडेड बाई टी। बात को समझना। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ पर आएगा? प्रॉब्लम आएगा तुम्हारा यहां पर, एट दिस पर्टिकुलर टी, एक मिनट, यहां पर आएगा तुम्हारे इस जगह पर प्रॉब्लम आएगा टी, बिकॉज ये जो टी था दैट वाज द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी। अभी इसके जगह तुम क्या लिखोगे? रेट ऑफ कूलिंग की जगह क्या लिख दोगे? फिर से और एक बार, रेट ऑफ कूलिंग की जगह लिख दोगे टी वन माइनस टी टू डिवाइडेड बाई टी, दैट इज इक्वल टू के लिख दोगे, है ना? के लिखने के बाद यहां पर क्या लिखना है, टेम्परेचर ऑफ द बॉडी माइनस क्या लिखोगे, टी नॉट। ये हो गया हमारा एक्सप्रेशन। आई होप सो सबको समझ में आ रहा है कि मैं करना क्या चाहता हूँ। मैंने रेट ऑफ कूलिंग की जगह क्या लिख दिया, चेंज इन टेम्परेचर बाय टाइम टेकन। एक्चुअली हम एवरेज रेट ऑफ कूलिंग निकाल रहे हैं, दिस इज एवरेज, भूलना मत, है ना? दैट इज इक्वल टू के टाइम्स ब्रैकेट टेम्परेचर ऑफ द बॉडी माइनस टेम्परेचर ऑफ द सराउंडिंग। अभी ये बोलो कि इस ब्रैकेट के अंदर हम क्या लिखें,
टेम्परेचर ऑफ द बॉडी हम क्या देखें। प्रॉब्लम क्या है, देखो प्रॉब्लम ये है कि बॉडी का जो टेम्परेचर है वो कांस्टेंट नहीं है, वो बदल रहा है। इनिशियली T1 था, टी टाइम के बाद उसका टेम्परेचर T2 हो गया, और हम पे हमको यहाँ पर बॉडी का टेम्परेचर लिखना है, और मैं यहाँ पर एक्सप्रेशन लिख रहा हूँ आई एम ट्राइंग टू राइट द एवरेज रेट ऑफ कूलिंग। तो यहाँ पर जो हम बॉडी का टेम्परेचर लिखेंगे वो भी हम बॉडी का एवरेज टेम्परेचर लिखेंगे। तो अगर तुमको कोई पूछता व्हाट इज द एवरेज टेम्परेचर ऑफ द बॉडी, इसका क्या जवाब क्या दोगे? व्हाट विल बी द एक्सप्रेशन इन दिस केस, व्हाट विल बी द एक्सप्रेशन फॉर द एवरेज टेम्परेचर ऑफ द बॉडी? कैन एनीवन टेल मी? T2 minus T1 by T. T1 plus T2. By 2, मैंने टाइम कहाँ से आएगा? टाइम नहीं आएगा यार, दिस इज एवरेज यार, T1 plus T2 by 2, टाइम एवरेज है ये, है ना? एक बॉडी का अगर मैं एवरेज टेम्परेचर निकालना चाहूँ, इनिशियल एंड फाइनल वैल्यूज अगर पता है T1 एंड T2, तो हम क्या लिख सकते हैं? एवरेज वैल्यू जो है वो हम T1 plus T2 by 2 लिख सकते हैं। तो ये जो है दिस इज द एवरेज टेम्परेचर ऑफ ए बॉडी, और यहाँ पर हम T1 plus T2 by 2 लिख देंगे। जनता बोलो, समझ में आया नहीं आया? इज दिस क्लियर? यही हमारा फाइनल एक्सप्रेशन है, दिस इज अवर फाइनल एक्सप्रेशन। इज दैट क्लियर? यस सर, यस सर, यस सर, यस सर। जस्ट मिनट, मेरा इयरफोन धोखा दे दिया, जस्ट मिनट। सो दिस इज द एवरेज एक्सप्रेशन। ये डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है? बहुत सिंपल सा आइडिया है, इंटरेस्टिंग है बहुत। इट इज कॉल्ड एज रेडिएशन कर्व्स एंड वेन डिस्प्लेसमेंट लॉ। रेडिएशन सर सामने आ रहा, सर सामने आ रहा, वॉल्यूम बहुत लो सर, आपका वॉल्यूम लो है। हां सर, वॉल्यूम तो लो नहीं है यार, मैक्सिमम ही है। सो लेट्स टॉक अबाउट रेडिएशन कर्व एंड वेन डिस्प्लेसमेंट लॉ। देखो अगर अगर हम इस ब्लैक बॉडी कंसिडर करते हैं, ठीक है, अगर इस बॉडी ब्लैक बॉडी कंसिडर करते हैं और इसको अगर हम हीट करते जाते हैं, ये तो फोटोन्स इमिट करेगा, एंड इट विल इमिट फोटोन्स। ये जो फोटोन्स इमिट करेगा, सारे वैरायटी ऑफ फोटोन्स इमिट करेगा। देखो मैं जब कहता हूँ सारे वैरायटी ऑफ फोटोन्स इमिट करेगा, तुमको इसका मतलब समझ में आता है? इसका मतलब ये है कि देखो फोटोन्स का पहचान क्या है, उसका वेवलेंथ या उसका फ्रीक्वेंसी। मैं ये कह रहा हूँ कि तुमको सारे फ्रीक्वेंसी वाले फोटोन्स मिलेंगे, जितना भी पॉसिबल फ्रीक्वेंसीज है या जितना भी पॉसिबल वेवलेंथ है, सारे वैरायटी ऑफ तुमको फोटोन्स मिलेंगे, ठीक है? तो यहाँ पर क्या है कि वेन ने क्या किया था, स्टडी करके इस बॉडी से जो फोटोन्स निकल रहे हैं, ठीक है, इस बॉडी का जो बॉडी से जो फोटोन्स निकल रहे हैं, मैं तुमको एक एग्जाम्पल देना चाहूंगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं तुमको कहता कि तुम्हारे क्लास में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कोरस्पॉन्डिंग टू हाइट, ये प्लॉट करना, मतलब ऐसा ग्राफ बनाओगे, जैसे दिस इज वाई, दिस इज एक्स, ठीक है, और एक बार, ठीक है, और यहाँ पर तुम क्या प्लॉट करोगे, स्टूडेंट का हाइट, हाइट ऑफ द स्टूडेंट, और यहाँ पर क्या प्लॉट करने दिया मैंने, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है, एक मिनट। तो क्या करोगे तुम, फॉर एग्जांपल स्टार्ट हो रहा है, फॉर एग्जांपल 140 सेंटीमीटर से स्टार्ट हो रहा है, फिर नेक्स्ट लिखोगे 150 सेंटीमीटर, फिर नेक्स्ट क्या लिखोगे 160 सेंटीमीटर, और यहाँ पर प्लॉट क्या करोगे, सोचो 140 के सोचो 10 स्टूडेंट्स हैं, 150 के हाइट के सोचो 20 स्टूडेंट्स हैं, 160 के हाइट के सोचो फिर से 15 स्टूडेंट्स हैं, कुछ ऐसा कर्व बनेगा। हम ऐसा कर्व बना सकते हैं which will actually tell you the distribution of height in your class. Come on people. Yes sir. ye logic samajh rahe hain sabko? Did you understand this logic? kya main aisa graph bana sakta hu? yes sir. 140 ke corresponding kitne sare students hai, to is graph ko dekh ke tumko kya pata chalega? is graph ko dekh ke tumko ye pata chalega ki how is the height distributed in your class. tumhare class mein bachcho mein jo height ka distribution hai wo kaisa hai, theek hai? to aisa hi kuch exactly aisa hi kuch hum फोटोन्स को लेके भी करेंगे, ठीक है सर? सेम काइंड ऑफ थिंग वी विल आल्सो डू इन केस ऑफ फोटोन। देखो यहाँ पर हम क्या करेंगे,
ये देखेंगे कि फोटॉन्स का एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है. हाउ इज द एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फोटॉन्स, कैसे. व्हाट यू हैव टू डू इज दैट एक एक्सिस बनाना, ठीक है. विल ड्रॉ एक मिनट विल ड्रॉ एक्सिस और यहां पर हम क्या पुट करेंगे, विल पुट अप द वेवलेंथ ऑफ दिस फोटॉन्स लैम्डा. तो वेवलेंथ जैसे हमने हाइट का वैल्यू निकाला था, लिखा था 140, 150, 160, तो यहाँ पर वेवलेंथ है. तो वेवलेंथ के अकॉर्डिंग हम क्या प्लॉट करेंगे, एनर्जी प्लॉट करेंगे, ठीक है. और यहाँ पर हो गया हमारा ई लैम्डा. ई लैम्डा आई होप सो तुमको याद है, इसमें क्या बुलाते हैं, स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर. इसको हम पावर तो बुलाते हैं लेकिन एक्चुअली पावर नहीं है. दिस इज व्हाट, दिस इज एनर्जी एमिटेड पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया फॉर ए रेंज ऑफ वेवलेंथ लैम्डा टू लैम्डा प्लस डी लैम्डा. फिर से हम डी लैम्डा से डिवाइड कर देते हैं. मतलब सीधा सीधा बोला जाए, एक पर्टिकुलर लैम्डा के ग्रुप वाले फोटॉन्स पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया कितना एनर्जी एमिट करता है वो हम लिखेंगे, ठीक है ना. और अकॉर्डिंगली यहाँ पर प्लॉट करते जाएंगे. जनता सुन रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूँ, आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से. यस सर. यस सर. यस सर. और जो कर्व है ना, कर्व वो तो एक्सपेरिमेंटल है. ये कर्व ना ऐसा पाया गया है, समथिंग लाइक दिस. ध्यान रखिए, मैं और एक दफा बनाता हूँ और अच्छे से बनाता हूँ. ऐसा बनाया गया, इस साइट में फ्लैटर है, इज दैट क्लियर पीपल, समझ में आया. ये पाया गया है, दिस इज व्हाट हैज बीन फाउंड आउट एक्सपेरिमेंटली. इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू. यस सर. ओके. यस सर. और ये जो लैम्डा है इसको हम पीक वेवलेंथ बोलते हैं. इसको हम पीक वेवलेंथ क्यों बोलते हैं, बिकॉज इसके करस्पॉन्डिंग जो इमिसिव पावर है, स्पेक्ट्रल इमिसिव पावर है, वो सबसे ज्यादा है. इज दैट क्लियर. तो नेचर में ग्राफ इस तरीके से पाया जाता है, ठीक है. तुमको ये समझ, यस, तुमको ये समझना है कि एक बॉडी का जो ये जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा, स्पेक्ट्रल इमिसिव पावर जो हमने लैम्डा के रिस्पेक्ट में ये डिस्ट्रीब्यूशन ड्रॉ किया है, दिस विल बी अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर. अगर टेम्परेचर बदल जाएगा तो ये जो ग्राफ है ये भी बदल जाएगा. इफ आई इंक्रीज द टेम्परेचर देन अमाउंट ऑफ फोटॉन्स विच विल बी एमिटेड वो भी इंक्रीज हो जाएगा. वो इंक्रीज हो जाएगा तो ये ग्राफ भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा. डू एग्री विद दिस. कम ऑन पीपल. यस सर. किस तरीके से, कैन एनीवन टेल मी किस तरीके से चेंज होगा. The first thing that will happen is that the graph will rise up. अगर higher temperature का graph में अगर बनाता हूँ और उसके साथ में compare करता हूँ, इस वाले से वो वाला graph क्या होगा, थोड़ा ऊँचा होगा. Do you agree with this? Because अगर temperature बढ़ जाता है तो energy भी ज़्यादा emit होगा, energy ज़्यादा emit होगा तो हर lambda के corresponding जो spectral emissive power है वो भी increase हो जाएगा. Do you agree with this? Come on, people. Do you agree with this? Yes or no? Yes. Yes, sir. Yes, sir. तो ग्राफ कुछ ऐसा हो जाएगा. दिस इज द ग्राफ, ध्यान देना. और अभी जो पीक वेवलेंथ है वो ऐसा है, जैसे दिस इज लैम्डा एम डैश, ऐसे लैम्डा एम टू लिख देता हूँ. लेट अस राइट इट एज लैम्डा एम टू. दिस इज लैम्डा एम वन और ये जो है टेम्परेचर ट्यू टू में ड्रॉ किया गया है, ठीक है. सो दिस इज हाउ द ग्राफ विल लुक लाइक. और यहाँ पर जो मैंने ग्राफ बनाया है, यहाँ से आसानी से पता चल रहा कि लैम्डा एम टू का वैल्यू जो है that is less than lambda m1. अच्छा देखो, ये तो समझ में आ जाता है कि एज ए होल ग्राफ क्यों राइज कर जाता है, एज ए होल ग्राफ क्यों राइज कर जाता है जनता. बिकॉज ओवरऑल बॉडी के अंदर का जो थर्मल एनर्जी वो इंक्रीज हो चुका है, टेम्परेचर बढ़ चुका है, तो बॉडी के अंदर का जो थर्मल एनर्जी वो भी बढ़ चुका है. वो बढ़ चुका है तो ज़्यादा फोटोन्स रिलीज करेगा, तो पर लैम्डा के करस्पॉन्डिंग जो स्पेक्ट्रल इमिसिव पावर होगा वो भी ज़्यादा होगा. सो दैट इज अ रीजन द पीक ऑफ द ग्राफ इज इंक्रीज एंड ओवरऑल द ग्राफ हैज मूव्ड अपवर्ड. बट व्हाई डिड द पीक वेवलेंथ डिक्रीज. अभी पीक वेवलेंथ देखो, पहले लैम्डा एम वन था, इसके कोरस्पॉन्डिंग मैक्सिमम यू नो स्पेक्ट्रल इमिसिव पावर था. और अभी जो लैम्डा एम टू है उसका वैल्यू जो है वो लैम्डा एम वन से कम है. कैन एनीवन गेस कि ऐसा क्यों हुआ है, व्हाई इज द पीक वेवलेंथ डिक्रीज. एनीवन, कम ऑन.
Can anyone tell me what is the formula for energy of a photon? Come on, anyone? So, अगर मैं कह रहा हूँ कि photons की energy increase हो चुका है, मतलब lambda decrease कर रहा होगा, do you agree with this? अगर मैंने lambda को decrease कर दिया, that means photon की energy ज़्यादा होगा, और in other words, energy of a photon is inversely proportional to lambda, that means shorter wavelength photons are more energetic. Come on, people. Come on. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Shorter wavelength photons are more energetic. Yes. So, that is what I'm trying to say. मैं यहीं पर यही कहना चाहता हूँ कि यहाँ पर अगर मैं overall situation को देखो तो ये दिख रहा है कि as temperature is increasing, तो overall the amount of energy जो निकल रहा है वो भी increase हो रहा है, right? As because energy is increasing, और ये energy कौन carry करके लेके जा रहा है? Photons carry करके लेके जा रहा है. Now, a you know higher energetic group of photons, energy in this case is inversely proportional to wavelength. Temperature increase हो गया, that means now more energetic photons will be released in this case. ठीक है? More energetic photons will be released in this case. And more energetic photons का मतलब है उनका lambda का value क्या करेगा? Decrease करेगा, because higher energy photons means lesser wavelength. Yes, people. Yes, people. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. आई होप सो तुम लोगों को समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ. मैं बस यही कह रहा हूँ, एज बिकॉज टेम्परेचर इंक्रीज हो गया, एनर्जी इंक्रीज हो गया, सो मोर एनर्जेटिक फोटोन्स निकलेगा. मोर एनर्जेटिक फोटोन्स का मतलब क्या है कि अभी जो तुमको पीक मिलेगा वो पीक लैम्डा का वैल्यू छोटा हो जाएगा, क्योंकि छोटा लैम्डा का मतलब क्या है? ज्यादा एनर्जी वाला फोटो. दैट इज द रीजन पीक पीछे की तरफ शिफ्ट हो रहा है. इज दैट क्लियर? कम ऑन पीपल. यस यस. कैन एनीवन टेल मी इस ग्राफ के नीचे का एरिया क्या बताता है? एरिया अंडर कर्व. Anyone? Okay, fine. कैसे निकालते हैं हम इसको? एक छोटा सा स्ट्रिप बना लो, जैसे कि स्मॉल स्ट्रिप जैसे, ठीक है? अगर मैंने एक छोटा सा स्ट्रिप ले लिया, can I say width of the rectangle is d lambda and height of the rectangle is e lambda? जनता जवाब दो. जनता जवाब दो. Yes, sir. Okay. Yes, sir. ये छोटा सा एरिया, this small amount of area can be written as e lambda into d lambda. और इस पूरे कर्व के नीचे का एरिया चाहिए तो मुझे क्या करना पड़ेगा? इंटीग्रेट करना पड़ेगा. यस और नो? कम ऑन पीपल. यस और नो? यस और नो? यस सर. कैन एनीवन टेल मी, अगर किसी ने पढ़ा है तो ये तो तुमको दिखना चाहिए कि इंटीग्रेशन ऑफ ई लैम्डा इनटू डी लैम्डा एक्चुअली क्या देता है. कम ऑन पीपल, एनीवन? टोटल इलेक्ट्रिक पावर. परफेक्ट, परफेक्ट, एकदम सही बोला. दिस विल गिव यू द टोटल एमिसिव पावर. हमेशा याद रखना, ये जो कर्व है, इस कर्व के नीचे का एरिया जो है वो क्या रिप्रेजेंट करेगा? दिस विल ऑलवेज रिप्रेजेंट द टोटल एमिसिव पावर. इज दैट क्लियर? कम ऑन पीपल. इज दैट क्लियर? यस सर. दैट इज द रीजन इसके नीचे का जो एरिया है वो क्या रिप्रेजेंट करेगा? एमिसिव पावर रिप्रेजेंट कर रहा है. तो टेम्परेचर बढ़ेगा तो बॉडी का ओवरऑल एमिसिव पावर क्या होगा? इंक्रीज करेगा. बॉडी का ओवरऑल एमिसिव पावर इंक्रीज करेगा तो ग्राफ का भी एरिया क्या करेगा? इट हैज टू इंक्रीज, राइट? सो देयर इज वन मोर एक्सप्लेनेशन कि ग्राफ ऊपर क्यों जाता है. ग्राफ का एरिया क्यों इंक्रीज कर जाता है? ठीक है, समझ में आया? सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज दैट कि यहाँ पर अगर टेम्परेचर इंक्रीज करता है सो पीक वेवलेंथ क्या करता है? डिक्रीज करता है. ऑल ऑफ यू एग्री विद मी? इसी के बेसिस पे वेन्स ने अपना वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ दिया है. क्या दिया है जनता? वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ. इज दैट क्लियर? डिस्प्लेसमेंट किस कौन डिस्प्लेस कर रहा है भाई? यहाँ पर लैम्डा एम का वैल्यू डिस्प्लेस कर रहा है. और वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ क्या बोलता है? देखो, टेम्परेचर बढ़ रहा है, लैम्डा घट रहा है, तो उनका जो प्रोडक्ट है वो हमेशा कॉन्स्टेंट होता है. वेन ने ये कहा था. समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? अगर टेम्परेचर इंक्रीज करेगा तो पीक वेवलेंथ क्या करेगा? डिक्रीज करेगा. और ये पाया गया कि इन दोनों का प्रोडक्ट जो है वो हमेशा क्या रहेगा? इन दोनों का प्रोडक्ट हमेशा कॉन्स्टेंट रहेगा. जनता बोलो, समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा? कम ऑन. हेलो. यस सर. यस सर. यस सर. और ये कांस्टेंट है. इस बी का वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं? दैट इज 2.89 इनटू 10 टू द पावर -3. ठीक है, मीटर
इनटू कैबिन। समझ में आया ना, ये तो ऑब्वियस है ना कि अगर टेम्परेचर को तुम क्या करोगे, इंक्रीज करोगे, लैम्डा एम का वैल्यू क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। ये तो हमने ग्राफ में ही देखा और इनका प्रोडक्ट कॉन्स्टेंट पाया जाता है, ठीक है। सो ये हमारा वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ, और ये लॉ इतना इंपॉर्टेंट है कि इस लॉ से ना हम किसी यू नो प्लैनेटरी बॉडी से जो रेडिएशन आ रहा है उसको स्टडी करके उस पर्टिकुलर प्लैनेट का, उस पर्टिकुलर स्टार का टेम्परेचर क्या है वो बता सकते। कैसे बता सकते, देखो अभी हमारे अर्थ में जो रेडिएशन पहुंच रहे हैं उस रेडिएशन को कलेक्ट करके हम ये निकाल सकते हैं कि लैम्डा एम का वैल्यू कौन सा हो, ये तो निकाल ही सकते हैं। वी कैन कलेक्ट द फोटॉन्स एंड फाइंड आउट कि विच यू नो कोरस्पॉन्डिंग टू विच वेवलेंथ यू विल गेट द हाईएस्ट एमिसिव पावर। तो लैम्डा एम का वैल्यू निकाल सकते हैं, लैम्डा एम का वैल्यू पता चल गया, बी का वैल्यू हमको पता ही है, तो वहां से हम क्या निकाल सकते हैं, टी का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो इस फॉर्मूला को यूज करके हम स्टार्स का टेम्परेचर निकालते हैं। इज दैट क्लियर, इज दैट क्लियर पीपल? समझ में आया? मैंने बोला लैम्डा एम का वैल्यू तो हम अर्थ पे बैठ के निकाल सकते हैं, बिकॉज रेडिएशन अर्थ के पास पहुंच रहा है, उसको कलेक्ट करके उसको स्टडी करके लैम्डा एम क्या वो निकाल लेंगे। बी का वैल्यू हमको पता है, बचा सिर्फ टेम्परेचर, तो जहां से आ रहा है उस स्टार का टेम्परेचर हम बता सकते हैं, ठीक है। एक ये छोटा सा चीज, इस पे क्वेश्चन आ सकते हैं, इससे मैं बता के रख रहा हूँ। एंड फाइनली छोटा सा चीज, ये भी न्यूमेरिकल में कभी कभी पूछता है, ये बता के रख रहा हूँ, टेम्परेचर ऑफ द सन, इस सन का टेम्परेचर कैसे निकाल पाएंगे वो तुमको बता के रखता हूँ, ध्यान से सुन, ठीक है। सिंपल सा है, देखो सन जो है, दिस इज सन, अगर ये सन है ये अपने चारों तरफ रेडिएशन हो रहा है, राइट, इट इज सेंडिंग रेडिएशन इन ऑल डायरेक्शन, आइए ना जनता, मानते हो ना? और तुमको ये बात समझना है कि सन जो एनर्जी छोड़ेगा ना, उसका जो वेवफ्रंट होगा, एनर्जी का जो वेवफ्रंट होगा, इट विल बी इन द फॉर्म ऑफ अ स्फीयर, द एनर्जी विल बी मूविंग आउट, विल बी मूविंग ग्रेडुअली आउटवर्ड, एंड द वेवफ्रंट विल लुक लाइक अ स्फीयर। डू यू एग्री विद मी? कम ऑन पीपल।